Hello and welcome. Now, in the last lecture, we have seen Euler's theorem. Now, in that theorem, what we have proved, you know, is any integer relatively prime to number n, then we have proved that integer a raised to the power phi of n is congruent to 1 modulo that n, that we have proved. And that what is the meaning of phi of n? I will explain again. Suppose n is equal to 8. Now you select integers positive less than 8. So can we make the list of integers which are positive and less than 8? Yes, and these are 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. All right. Now, see, among these integers, which integers and this 8 will give you GCD 1? That means there should be no common factor other than 1 in between the integers. So 1 and 8, if I am considering, then only one number, that is 1, can be divide this 1 as well as this 8. So GCD of 1 and 8 is 1, and therefore this 1 is relatively prime to 8. So I am selecting this number 1 as a our required member of this phi of n. Okay, now see these two. But here problem is, when I'm considering number 2 and 8, there is a possibility, not a possibility, surety, that 2 must divide this 2 as well as 8. Therefore, the greatest common divisor of these two numbers is 2. We need GCD is 1. Therefore, we reject this. Now, tell me, what is the GCD of 8 and 3? Aisa kaun sa number hai, 1 ko chhod ke, jo 3 ko bhi divide karega aur 8 ko bhi divide karega, dono ko common divide karega. Aisa koi integer nahi hai, ek hi integer hai, wo khud 1. To isliye, in dono ka bhi GCD 1 aayega, to hum isko bhi select kar lete hain, kyunki ye 3, 8 se relatively prime hai. 4 और 8 में 1 तो डिवाइड करता ही है, 2 भी डिवाइड करेगा, देखो इसको भी करेगा, इसको भी करेगा, 4 भी डिवाइड करेगा, इसलिए इसका GCD क्या आएगा, 4 आएगा. हमें कितना चाहिए, 1 रिलेटिवली प्राइम के लिए, तो इसलिए ये हम रिजेक्ट करेंगे. 8 और 5 इज अ प्राइम नंबर, तो इसलिए प्राइम नंबर किसी के साथ भी जुड़ जाता है तो रिलेटिवली प्राइम ही रहता है, तो इसमें कॉमन डिवाइजर एक ही है, दैट इज 1, तो इसलिए इसको भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं. 6 और 8 में कॉमन डिवाइजर है 2, 2 6 को भी करता है, 8 को भी करता है, तो इसका जीसीडी 2 आएगा, तो इसको हम कट करेंगे. और 7 जो है वो रिलेटिवली प्राइम टू 8 है, क्योंकि इसका कॉमन डिवाइजर 1 ही है, तो इसको भी सिलेक्ट करते हैं. तो अमंग दी 7 इंटीजर्स विच आर लेस देन 8, वी हैव सिलेक्टेड 1, 3, 5 एंड 7. काउंट देम, उनको काउंट करो, 1, 2, 3 और 4. इसलिए हम यहां लिखेंगे phi of 8 is equal to 4. मतलब कितने नंबर्स है 8 से छोटे जो 8 के साथ रिलेटिवली प्राइम है, तो phi of 8 क्या हो जाएगा, 4. व्हाट इज प्राइम नंबर, डू यू नो, हाई स्कूल में वगैरह आपने पढ़ा होगा कि प्राइम नंबर क्या होते हैं. तो मैं आपको बता दूं कि प्राइम नंबर मतलब ऐसा पॉजिटिव नंबर, प्राइम नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, स्टार्टेड विथ 2, 2 प्राइम है, क्योंकि 2 को या तो 1 से डिवाइड होगा या तो खुद 2 से डिवाइड होगा. 3 भी प्राइम है, 4 प्राइम नहीं है, क्योंकि 4 को 2 से डिवाइड होता है. तो डेफिनेशन ऑफ प्राइम नंबर इज अ पॉजिटिव इंटीजर विच इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ और 1. तो उसको दो ही डिवाइजर रहेंगे, एक खुद और 1. खुद और 1 के अलावा अगर तीसरा कोई डिवाइजर उसको है किसी नंबर को, तो
तो वो प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा। तो 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, 4 प्राइम नहीं है, 5 प्राइम है, 7 है, 9 भी प्राइम नहीं है क्योंकि 3 से डिवाइड हो सकता है, तो 11 है, 13 है। तो दीज आर दी व्हाट ऑल आर व्हाट प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स का भी रिवीजन आपका हो गया कि किसको हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। अब हम आगे जाके पढ़ेंगे एक थ्योरम दैट इज कॉल्ड एज अ फॉर्मेट्स थ्योरम, क्योंकि इसमें प्राइम नंबर का इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए मैंने आपको प्राइम नंबर के बारे में थोड़ी जानकारी दे दी। बेसिकली दिस फॉर्मेट्स थ्योरम इज अ स्पेशल केस ऑफ ऑयलर्स थ्योरम व्हिच वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस लेक्चर। तो इसमें क्या देखिए, स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं बड़े आराम से। इफ पी इज अ प्राइम नंबर एंड ए इज एनी इंटीजर, ए पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इट इज एनी इंटीजर, मे बी प्राइम मे नॉट बी प्राइम, मे बी रिलेटिवली भी कुछ बोला नहीं है, देन प्रूव दैट एनी इंटीजर रेज टू द पावर दैट प्राइम इज कॉन्ग्रुएंट टू ए मोडुलो पी। क्या मतलब होता है इसका कि आप ए का ये इंटीजर जो भी है उसका ये जो प्राइम नंबर है उतनी बार प्रोडक्ट लेंगे, ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए, समझो प्राइम नंबर 5 है, 5 तो आप ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए कितनी बार लेंगे, 5 टाइम्स, ए रेज टू पावर 5। तो उसका जो भी आंसर आएगा उसको ये पी डिवाइड करेगा, और वो जब डिवाइड करेगा तो उसका रिमाइंडर जो है हमेशा ए ही आएगा। That is the theorem. अगर आपको यकीन नहीं आता है तो मैं आपको बता देता हूं कि how it will prove. तो मान लीजिए कि आप एक प्राइम नंबर ले लीजिए, प्राइम नंबर हम लेते हैं p is equal to 5 ले लेते हैं, a जो है वो कोई भी एक नंबर ले लीजिए, इंटीजर, एनी इंटीजर यू कैन टेक, तो हम ले लेते हैं 2, ठीक है। तो a टू द पावर p का मतलब होता है a टू द पावर सॉरी 2 रेज टू 5, और इसका आंसर आता है 2 इंटू 2 इंटू 2 5 करेंगे तो इसका आंसर आता है 32। तो ये आपका लेफ्ट साइड आ गया 32। अब उस 32 को जब आप डिवाइड करेंगे p से, आपका p कितना था 5, तो इसमें डिवीजन होगा 5 6 30, एंड वॉट इज द रिमाइंडर, रिमाइंडर इज 2, 2 मीन्स अगेन इट इज यूर ए, तो ये आपका रिमाइंडर ए ही आएगा, दैट ये थ्योरम आपको बताता है। अभी हमको प्रूव करना है, सो हाउ टू प्रूव दिस थ्योरम, इसको प्रूव करने के लिए हम ऑयलर्स का ही इस्तेमाल करेंगे। तो कैसे लिखेंगे हम प्रूफ, प्रूफ इसका लिखेंगे ऐसे कि ये जो ए है ये एनी इंटीजर है, तो ऑयलर्स थ्योरम का अगर मुझे इस्तेमाल करना है तो ऑयलर्स थ्योरम में ये ए जो था वो इस यहां एन था, एन ऑयलर्स थ्योरम में एन के जगह पी आया है, और ये ए जो था ऑयलर्स थ्योरम में वो एन के साथ रिलेटिवली प्राइम था, लेकिन यहां पर ए पी के साथ रिलेटिवली प्राइम बोला नहीं है, तो इसलिए आपका ए इस पी के साथ या तो रिलेटिव प्राइम हो सकता है या तो रिलेटिव प्राइम नहीं हो सकता, यहां दो केस होंगे। तो पहली केस, केस नंबर 1 में हम देखेंगे, केस नंबर 1 कि इफ दिस इंटीजर ए इज रिलेटिवली प्राइम टू एन, पी एन की जगह पी आया है यहां पर, रिलेटिवली प्राइम टू पी, जब हम ए को रिलेटिवली प्राइम टू पी कंसीडर करेंगे तो वी कैन यूज द ऑयलर्स थ्योरम। सो बाय ऑयलर्स थ्योरम, बाय ऑयलर्स थ्योरम क्या बोलता है, ऑयलर्स थ्योरम, ऑयलर्स थ्योरम ये बोलता है कि ये जो नंबर है ए रेज टू द 5 ऑफ एन था ऑयलर्स थ्योरम में, बट यहां एन के जगह पी आया है, तो हम यहां लेंगे 5 ऑफ पी कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड्यूलो एन था, एन ऑयलर्स में एन था लेकिन यहां एन के जगह पी आया है, तो हम यहां लेंगे पी। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ 5 ऑफ पी, क्योंकि p प्राइम है, आप कोई भी प्राइम नंबर ले लीजिए वो प्राइम है, इसका मतलब उसके नीचे वाले सारे नंबर्स उससे रिलेटिवली प्राइम ही रहते हैं, तो 5 प्राइम है तो 5 ऑफ 5 4 आएगा, 1 2 3 4,
तो प्राइम नंबर जो होता है उसकी खास बात ये होती है कि उसको कोई डिवाइड नहीं करता है क्योंकि वो प्राइम है, तो इसलिए उससे छोटे सारे नंबर्स कोई भी उसको डिवाइड नहीं करेगा, मतलब सारे के सारे रिलेटिवली प्राइम हो जाएंगे। बट आप यहां बोल सकते हो कि phi of p मतलब p से छोटे इंटीजर्स विच आर रिलेटिवली प्राइम टू p कितने रहेंगे, p से जितने छोटे हैं सब रहेंगे, मतलब p छोड़ के छोटे मतलब p माइनस वन। जैसा आपने 5 से छोटे लिए तो 1, 2, 3, 4 आएगा, 1 भी 5 के साथ रिलेटिवली प्राइम है, 2 भी रिलेटिवली प्राइम है, 3 भी रिलेटिवली प्राइम है और 4 भी रिलेटिवली प्राइम है। तो 5 से छोटे सारे पॉजिटिव इंटीजर 5 के साथ रिलेटिवली प्राइम होते हैं क्योंकि 5 प्राइम नंबर है, तो इसलिए वो नंबर आएगा p माइनस वन। एंड देयरफॉर हमको मिलेगा a टू द पावर, ये 5 ऑफ p की जगह हम लिखेंगे p माइनस वन कॉन्गरेंट टू 1 modulo p. Okay, but we want to show that this a to the power p, so multiplying by a, तो ये modulo में ही multiplication होगा, तो ये हो जाएगा a into a to the power p minus 1 congruent to a into 1, ये 1 को multiply होगा and this is modulo p. तो ये इंडाइसेस के रूल के हिसाब से इसका पावर कुछ नहीं मतलब 1 होता है, तो ये हो जाएगा एडिशन हो जाएगा इनका, 1 और माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, कॉन्गरेंट टू a इंटू 1 इज a मोड्यूलो p एंड दिस इज वी वांट टू शो दैट। तो ये हमने प्रूव कर दिया, ये हमने प्रूव किया ऑयलर्स थ्योरम का यूज करके। ऑयलर्स थ्योरम यूज तभी होगा जब ये a रिलेटिवली प्राइम टू p रहेगा या n रहेगा, ये रिलेटिवली प्राइम होना जरूरी है मेंशन। लेकिन केस नंबर 2 में ऐसा भी हो सकता है कि ये a इस p के साथ रिलेटिवली प्राइम न हो, जैसे आपका p मान लीजिए 7 है और आपका a 28 है, तो 28 और p प्राइम है, ये p 7, पर 28 और 7 का gcd जो आएगा वो 7 आएगा, 1 नहीं आएगा, तो इसलिए ऐसे भी इंटीजर आपको मिल सकते हैं जो p के साथ रिलेटिवली प्राइम नहीं होंगे। इसलिए केस नंबर 2 में हम लिखेंगे, केस नंबर 2 में लिखेंगे कि when a is not relatively prime to p। अब ये not relatively prime है तो आप Euler's theorem का इस्तेमाल नहीं कर सकते, p से छोटा नंबर तो रिलेटिवली प्राइम होता ही है p के साथ, तो इसका मतलब ये a इससे बड़ा रहेगा। जैसा p 7 है तो 7 से छोटा कोई भी नंबर ले लो आप, 6, 5, 4, 3, 2, 1 कोई भी ले लो, वो रिलेटिवली प्राइम ही रहेगा। अब आप रिलेटिवली प्राइम नहीं है बोल रहे हो, मतलब ये जो आपका a है वो p से बड़ा है, 14 है, ये 7 है तो ये 14 रहेगा, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसको भी 7 से डिवाइड कर सकते हैं, इसको भी 14 अगर है ये तो 7 से डिवाइड कर सकते हैं, तो इसका जीसीडी 7 आएगा और वो 1 नहीं आता है, 7 आता है, इसलिए हम इसको नॉट रिलेटिवली प्राइम बोलते हैं। तो इसका मतलब ये बड़ा रहेगा, मतलब ये p इस a को 100% डिवाइड करेगा, देयरफॉर p डिवाइड्स a, मतलब प्राइम नंबर उस a को डिवाइड करेगा इस केस में नॉट रिलेटिवली प्राइम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिवाइड करेगा, परफेक्ट डिवीजन होगा, रिमाइंडर जीरो बचेगा, तो रिमाइंडर जब जीरो बचता है और हमको इसको मोड्यूलो में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, तो जब a को वो डिवाइड कर रहा है तो देयरफॉर a कॉन्गरेंट टू, इस जगह छोड़िए थोड़ी और यहां लिखिए आप मोड्यूलो p, क्या मतलब होता है, ये a को ये p डिवाइड करेगा और वो डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा वो यहां लिखते हैं हम। अब ये तो परफेक्ट डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो, तो इसका मतलब ये हो गया, राइट। नाउ व्हाट वी आर डूइंग कि सिंस पी डिवाइड्स ए, दिस इंप्लाइज दैट पी डिवाइड्स ए टू द पावर पी, इसको भी डिवाइड करेगा वो, ए को कर रहा है मतलब ए इंटू ए में से किसी एक को ए करेगा, तो ये भी सही है, तो हम यहां लिखेंगे कि ये डिवाइड कर रहा है पी को, पी ए को भी डिवाइड कर रहा है, पी ए रेस टू पी को भी डिवाइड कर रहा है, तो दोनों के सब्सट्रैक्शन को भी डिवाइड करेगा, देयरफॉर पी डिवाइड्स
a टू द पावर p माइनस a। देखिए यहां पर p a को डिवाइड कर रहा है, डिवीजन का मतलब होता है माइनस है, तो ये p इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा, वो तो करता ही है ना। देखिए p इसको डिवाइड कर रहा है, p a को डिवाइड कर रहा है, तो उसके सब्सट्रैक्शन को डिवाइड करेगा। अब डिवाइड करेगा मतलब ये जो चीज है जिसको p डिवाइड कर रहा है वो हम लेफ्ट में लिखेंगे, कॉनग्रेंट टू उसको मोड्यूलो p करेंगे, डिवाइड कर रहा है और परफेक्ट डिवाइड कर रहा है, मतलब रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो। ये भी बात सही है। अब इस माइनस ए को हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस ए का प्लस हो जाएगा, तो दैट इज ए टू द पावर पी कॉनग्रेंट टू प्लस ए मोड्यूलो पी। देखिए यहां पर भी आपका ये थ्योरम, फॉर्मेट्स थ्योरम प्रूव हो गया, यही तो प्रूव करना था आपको। तो हमने ये फॉर्मेट्स थ्योरम दोनों कैटेगरी में प्रूव कर दिया, एक व्हेन ए इज रिलेटिवली प्राइम टू एन सॉरी पी, और दूसरी कैटेगरी में व्हेन ए इज नॉट रिलेटिवली प्राइम। तो कोई भी इंटीजर लीजिए, चाहे वो रिलेटिवली प्राइम हो या ना हो, वो फॉर्मेट्स थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा। सो दिस इज द एंड ऑफ फॉर्मेट्स थ्योरम। नाउ वी विल सी अनदर कोरोलरी। इफ जी इज अ फाइनाइट ग्रुप, फाइनाइट मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट है, हुज ऑर्डर इज अ प्राइम नंबर डिनोटेड बाय लेटर पी, कि उसकी ऑर्डर प्राइम नंबर है, मतलब उस ग्रुप में एलिमेंट्स कितने हैं जितने प्राइम नंबर होता है, जैसा कि 5 लिया आपने, p की वैल्यू 5 ली, तो उस g में 5 एलिमेंट रहेंगे, देन प्रूव दैट g इज अ साइक्लिक ग्रुप। तो यहां पर आपको मैं पहले साइक्लिक ग्रुप क्या रहता है समझाता हूं। तो बहुत बार क्या होता है, साइक्लिक ग्रुप का डायरेक्ट सिलेबस हमारे सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, तो जल्दी समझ में नहीं आता है कि व्हाट इज साइक्लिक ग्रुप। तो साइक्लिक ग्रुप का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपने ये Z7 लिया, Z7 का मतलब होता है आप यहाँ, ये मल्टीप्लीकेशन का है, तो आप यहाँ पर लेंगे एलिमेंट्स 0, 1, 2, 3, 4, 5 and 6, 7 एलिमेंट हो गए। अब इसके ऊपर जो ऑपरेशन है वो है कि आप इसमें से कोई भी एक एलिमेंट लीजिए, तो ए बिलोंग्स टू जेड सेवन, तो अब ए हम 3 को सिलेक्ट कर लेते हैं, तो यहां पर ए मतलब हमारा नंबर 3 को हमने ए लिया है, तो अब ए 3 है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए, ए इंटू ए मतलब 3 into 3 मतलब 9 आ गया, 9 7 से बड़ा है, तो Z7 में मोड्यूलो का ऑपरेशन होता है, तो आंसर जब 7 से बड़ा आता है तो उस आंसर को 7 से डिवाइड करो, मतलब 9 को 7 से डिवाइड करना होगा, 7 × 7 रिमाइंडर आएगा 2, तो इसका आंसर एक्चुअली आएगा 2, और ये 2 यहां है। फिर आपने ए क्यूब लिया, ए क्यूब मतलब ए इंटू ए इंटू ए, मतलब आपने 3 × 3 × 3 मतलब 27 लिया, लेकिन 27 हमारा आंसर नहीं हो सकता क्योंकि ये 7 से बड़ा है, तो इसको 7 से डिवाइड करना होगा, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 × 3 = 21, 21 इसमें से माइनस होगा, तो इसका आंसर आएगा 6, और ये 6 देखिए आप अगर देखेंगे तो यहां है, राइट। फिर आप लेंगे a रेस टू 4, मतलब a a a a 4 बार, मतलब 27 को और एक बार 3 × 81, अब इस 81 को 7 से डिवाइड करेंगे आप, तो इसका जो आंसर आएगा आप डिवाइड करके देख लीजिए, 81 को 7 से डिवाइड कर सकते हो आप, 7 × 7 या 1 बचा, 7 × 7 या 4 बचा, तो आपका रिमाइंडर 4 आया, मतलब इसका एक्चुअल आंसर आएगा 4, और ये आंसर जो है वो 4 यहाँ है, लाइक दिस। फिर a रेस टू 5 होगा, a रेस टू 5 मतलब 81 × 3 दैट इज 243, और 243 को आपको डिवाइड करना होगा, 243 को डिवाइड करना होगा 7 से, तो यहाँ 7 × 21 यहाँ 3 आएगा, यहाँ 3, और 7 × 4 = 28, और इसका सब्सट्रैक्शन करेंगे तो 5, तो इसका एक्चुअल आंसर आएगा 5, और जो कि यहाँ है। ऑलराइट, नाउ व्हाट इज द ए रेस टू 6, तो 243 × 3 करना होगा, तो 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, यहाँ 1 और ये 7 आएगा। अब ये 729 को आपको 7 से डिवाइड करना है, 7 × 7 ठीक है, यहाँ आ गया 0, फिर ये
टू लिया आपने तो 29, तो यहां आप लेंगे 0 और यहां आएगा 4, ठीक है, तो 7 4 28 और ये आ गया 1, तो आपका इसका आंसर आएगा एक्चुअली मॉड्यूलो के हिसाब से 1, और ये जो 1 है वो यहां है लाइक दिस। अब आप a रेस टू 7 जब लेंगे ना तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये 27, 3 टू 6 और ये 2 8 और ये 21, ये आ जाएगा। और जब आप इसको डिवाइड करेंगे 2187 को 7 से, तो 7 3 जार 21, ये 0 आ गया, फिर यहाँ आप 0 लेंगे, फिर ये 87 से बड़ा है तो 0 नहीं लेंगे, यहाँ 1 लेंगे, तो 7 1 7 यहाँ 1 आ गया, और यहाँ आप लिखेंगे 7 2 14 और यहाँ आएगा 3, तो इसका एक्चुअल आंसर आएगा 3, तो ये 3 जो है यहाँ है, मतलब ये आपका ओरिजिनल आंसर आ गया, मतलब a का पावर 1 जब लेंगे तो भी 3 आया था, और मतलब a टू द पावर 1 इज इक्वल टू a टू द पावर 7, देखिए 1 और 7 भले अलग अलग है लेकिन आंसर दोनों का सेम आ रहा है, मतलब संडे के बाद मंडे, मंडे के बाद ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड अगेन संडे, तो एक साइकिल में चलता है, तो इसमें आप करते जाइए आपको एक साइकिल मिलेगी, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, अगेन वो 0 आएगा, फिर 1 आएगा, 2 आएगा, साइकिल, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज अ साइक्लिक ग्रुप। और ये जो साइक्लिक ग्रुप है इसका जनरेटर ये 3 है, क्योंकि 3 से जनरेट किए गए एलिमेंट्स हैं सारे, व्हाट द पॉइंट, तो ये होता है साइक्लिक ग्रुप। तो यहां पर हमको उसको प्रूव करना है कि जिस ग्रुप में नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्राइम नंबर उतने होते हैं तो वो ग्रुप हमेशा साइक्लिक ही रहता है, ये आपका यहां पर प्रूव करना बाकी है। तो कैसे प्रूव करेंगे हम, तो यहां लिखते हैं प्रूफ, प्रूफ हाउ वी कैन प्रूव दैट, तो इसको हम यूज करेंगे, देखिए गिवन जी इज अ फाइनाइट ग्रुप, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उसमें, फाइनाइट ग्रुप, उसके ऑर्डर भी पता है, देयरफॉर ऑर्डर ऑफ जी उन्होंने दिया है, दैट इज अ प्राइम नंबर, और ये प्राइम नंबर है, ई इज अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर मतलब आपको पता है कि इसको इसके अलावा किसी और से ये डिवाइड नहीं होगा, 1 और पी यही दो डिवाइजर रहेंगे, बाकी इसको कोई डिवाइड नहीं करेगा, ओके। नाउ लेट एच बी सब ग्रुप ऑफ जी, सब ग्रुप ऑफ जी, ठीक है। अब ये अगर सब ग्रुप मैं ले रहा हूं तो लाग्रांजेस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू लाग्रांजेस थ्योरम, क्या बोलता है लाग्रांजेस थ्योरम, कि आपको पता है कि कोई सब ग्रुप है किसी ग्रुप का, तो वो सब ग्रुप की ऑर्डर जो है ना डिवाइड करेगी ऑर्डर ऑफ जी को, मतलब ऑर्डर ऑफ एच डिवाइड करेगी पी को, क्योंकि इसकी ऑर्डर पी है, प्राइम नंबर है। अब आपने अभी बोला कि पी को तो कोई डिवाइड करता नहीं है, पी को, पी इज अ प्राइम नंबर, तो पी को कौन कौन डिवाइड करेगा, पी को या तो 1 डिवाइड करेगा या तो खुद डिवाइड करेगा, मतलब देयरफॉर ऑर्डर ऑफ एच या तो 1 होगा और ऑर्डर ऑफ एच या तो खुद प्राइम नंबर पी होगा, क्योंकि ये प्राइम है। अब ऑर्डर ऑफ एच 1 होगा मतलब एच में एक ही एलिमेंट होगा, अब एक एलिमेंट मतलब आइडेंटिटी रहता है, तो इस केस में देयरफॉर एच इज इक्वल टू सिंगलटन ई होगा और यहां होगा खुद पी के बराबर है, मतलब एच इक्वल टू जी होगा, ये दोनों का ऑर्डर सेम है और उसका सब ग्रुप है, मतलब वो खुद एच, खुद ग्रुप जी होगा। अब एच जो है वो खुद जी होगा, तो हम ये जानते हैं कि जब कोई ग्रुप फाइनाइट रहता है, सिंस जी इज अ फाइनाइट ग्रुप, सिंस जी इज अ फाइनाइट ग्रुप, फाइनाइट ग्रुप में क्या होता है, मैंने एग्जांपल दिया, ये देखिए ये फाइनाइट था, तो इसमें हर एलिमेंट जनरेट करता ही है, उसको मजबूरी है क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए उसका आंसर उसी में से कोई आना चाहिए, तो फाइनाइट ग्रुप, देयरफॉर कोई भी एलिमेंट आप उस फाइनाइट ग्रुप का लेंगे तो वो साइक्लिक सब ग्रुप बनाएगा,
Therefore, A belongs to G will create a cyclic subgroup of G. Cyclic subgroup of G. So let H को हम cyclic subgroup का ये notation है. Notation मतलब it is generated by A. पिछले जो मैंने समझाया था उसमें three generator था. Three से थ्री को मल्टीप्लाई कर करके एलिमेंट मिल रहे थे, वैसे यहां ए है. तो ये है, अब ये सब ग्रुप है. और पिछली बार हमने देखा कि देयरफॉर एच इज इक्वल टू दिस इज, और ये आपको आइडेंटिटी के अलावा लेना है. इट इज नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी, क्योंकि आइडेंटिटी तो करते ही रहता है. तो एच इक्वल टू सिंगलटन आइडेंटिटी का केस हो ही जाता है. आइडेंटिटी के अलावा नंबर लेंगे तो ये जो है ना वो इक्वल टू जी बनेगा, क्योंकि दो ही केस है, या तो आइडेंटिटी के इक्वल होगा, ये देखिए, या तो ये होगा, ये यहां पे हमने किया, या तो ये होगा या तो ये होगा. और आपने ए आइडेंटिटी के अलावा लिया है, मतलब यही केस होना बाकी है. तो इसलिए देयरफॉर जी इज इक्वल टू दिस. एंड व्हाट इज दिस? दिस इज अ साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए. Generated by A, and therefore, when order of G is prime number, then G must be cyclic. तो इस प्रकार हमने ये theorem को भी prove कर लिया. तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा. नहीं समझ में आ गया तो इसको आप रिपीट करके भी देख सकते हो, समझ सकते हो, और नहीं समझा तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, पूछ सकते हो, डिस्कस कर सकते हो. ख्याल रखिए, तब तक बाय बाय.